दोस्तों मैं हूं दीपेश। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में इंडियन कोस्ट गार्ड के तहत आई बहुत सारी वैकेंसी के बारे में। जो वैकेंसी 10th और 12th लेवल की है, यह दोस्तों मात्र 10th और 12th लेवल की वैकेंसी है। आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे होंगे इस फॉर्म का कि 10th लेवल कोई वैकेंसी आई नहीं है, 12th लेवल कोई वैकेंसी आती नहीं है। तो यह दोस्तों 10th और 12th लेवल पर ही वैकेंसी आई है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत आई हुई है। कोस्ट गार्ड का वैकेंसी बहुत अच्छा खासा वैकेंसी माना जाता है। यदि आपको इंटरेस्ट इसमें रखते हैं कि हमको कोस्ट गार्ड में नौकरी करना है, कोस्ट गार्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि यदि आपको फॉर्म भरने में इंटरेस्ट है तो फॉर्म भरने से पहले जो भी नॉलेज आपको चाहिए होता है इस वीडियो से आपको मिलने वाला, ताकि जो भी कंटेंट मैं बताऊं आप पहले से ही रेडी होकर के तब फॉर्म भरने के लिए जाएं, क्या एलिजिबल है या फिर नहीं है इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो से मिल जाने वाला है। चलिए हम लेट ना करते हुए फटाफट मैं आपको इसके वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। इसका वेबसाइट आपको मैं दिखा दूं, joinindiancoastguard.cdac.in। यह दोस्तों joinindiancoastguard.cdac.in ये उसका होम पेज का वेबसाइट। जैसे कि आप ये यूआरएल को टाइप करते हैं और अपने ब्राउज़र में खोलते हैं तो आपको इस तरह का होम पेज मिल जाता है, जहाँ कि आपको इस तरह का आपको जो फ्रंट पेज आपको मिलने वाला है। आपको जाना कहीं नहीं है, आपको जाना है नीचे आने के बाद। देखिए इसका दो सेक्शन है। सबसे फर्स्ट वन आपका सेक्शन ये वाला है जो कि जहाँ की ऑफिसर सेक्शन है, और सेकंड वन आपका ये है जहाँ की आपको पर्सनल सेक्शन होता है। तो आपको पर्सनल सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक या एडवर्टीजमेंट वगैरह जो भी है आपको वहाँ मिलने वाला है। चलिए इस वीडियो में आपको हम फॉर्म कैसे भरना इन सब के बारे में तो नहीं बताएंगे। इस वीडियो में आपको सिर्फ नोटिफिकेशन पर चर्चा करने वाले हैं कि आपको इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हाइट क्या होना चाहिए, क्या प्रोसेस है इसके नौकरी प्राप्त करने के, और कब से कब तक भर सकते हैं, फॉर्म फी क्या होने वाला है, कब तक इसके फॉर्म का एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ये सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले। तो इसके नोटिफिकेशन का आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने से पहले हम आपको पहले डाउनलोड कर चुके हैं इसको, ताकि आपको लेट ना हो जाए वीडियो आपको लास्ट करने में। देखिए सबसे पहले डाउनलोड कर चुके हैं, यहाँ पर आपको हम दिखा दें कि ये उसका जो एडवर्टीजमेंट है जो इंडियन कोस्ट गार्ड का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, यहाँ से हम इसको डाउनलोड किए हैं। और इसके लिए कौन कौन से वैकेंसी के लिए इन्होंने एडवर्टीजमेंट जारी किया है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे नाविक, नाविक दो टाइप का होता है, नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि DB। नाविक जनरल ड्यूटी को बोलते हैं नाविक GD, शॉर्ट में बोलते हैं GD, और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच को बोलते हैं DB। थर्ड वन आपका आता है यांत्रिक। तीन तरह के पद इसमें है जिसको बोलते हैं GD, नाविक DB और यांत्रिक। तीन तरह के पद है। एडवर्टीजमेंट संख्या यहाँ पे आप देख पाएंगे 2022 का है, और एप्लीकेशन का जो मोड होने वाला है वो कैसे लिया जाएगा उन्होंने वही बताया कि एप्लीकेशन इसका ऑनलाइन होने वाला है। एप्लीकेशन का जो लेने वाला है वो ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, नहीं, आपको ऑनलाइन इसका फॉर्म को भरना है। किसी कंप्यूटर वाले भैया के पास ये कैफे में चाहिए, अगर खुद से आपको भरा दी है तो आप ऑनलाइन इसके फॉर्म को भर सकते हैं, और वो भी कब से कब तक भर सकते हैं ये उन्होंने यह भी डेट लिखा है कि 4 जनवरी 2022 से लेकर के 14 जनवरी 2022 के बीच आप भर सकते हैं। 4 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी के बीच यदि आप भर रहे तो ठीक है, नहीं तो आप इसको फॉर्म भरने से आप चूक जाएंगे, छूट जाएंगे। तो आप 4 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी के बीच आप भर लीजिए, और उसमें भी कंडीशन उन्होंने दिया कि लास्ट डेट में आपको 5:17 दिया हुआ, मतलब कि 5 बजे शाम तक ही इस फॉर्म को आप भर पाएंगे, नहीं तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। फाइनली आपको फाइनली इस डेट में यानी कि 14 जनवरी तक में आपको 5 बजे तक में फॉर्म को कंप्लीट फिल कर लेने वाला है। इसके अलावा आपको और जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस वगैरह हैं इसके बारे में हम आप चर्चा करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट में आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो पोस्ट की बात इन्होंने करी है, पोस्ट पहले से आपको बता दी है कि नाविक GD है और नाविक DB है और यांत्रिक, तीन तरह के पद है, इससे आप वाकिफ है। दूसरा नंबर जो इन्होंने लिखा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो तीन तरह के जो पद हैं तो वो तीनों पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन इन्होंने बताई है। तो सबसे फर्स्ट में जो आपका ए नंबर है, देखिए ए नंबर में है नाविक GD यानी कि जनरल ड्यूटी, इसके लिए इन्होंने रखा है कि 10+2 पास विद मैथ एंड फिजिक्स फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड, यानी कि आपको 10+2 पास होना चाहिए मैथ से, यानी कि आपको ISC मैथ से होनी चाहिए, तब आप GD के फॉर्म यानी कि नाविक GD वाला फॉर्म आप तब भर पाएंगे। तीन तरह के पद में पहला पद जो है नाविक GD का, उसके लिए आपको इंटर होनी चाहिए मैथमेटिक्स से। यदि आप बायोलॉजी से हैं तो नहीं भर सकते, आर्ट्स कॉमर्स से हैं तो आप नहीं भर पाएंगे। सेकेंड वन जो ये आपका है नाविक DB यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच, इसके लिए ओनली 10th पास चाहिए। 10th क्लास यदि आप पास है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो आप इस फॉर्म को बेहद भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। थर्ड वन आपका आता है यांत्रिक। यांत्रिक जो है इसके लिए भी आपको 10th पास आपका होना चाहिए, कोई समस्या नहीं है, आप 10th पास यदि है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ये तो
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था, उसके अलावा जो कि कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आपको जानने वाली बात है। इन चीज़ों को आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकती है, नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। ये जो है मेन चीज़ नहीं है, मेन चीज़ आपको आगे है नंबर टू में। देखिए एज की बात हम लोग कर रहे हैं कि एज जो है मिनिमम 18 वर्ष एंड मैक्सिमम 22 वर्ष रखा गया है। कम से कम यदि आपका एज 18 वर्ष हुआ है तो आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे, और मैक्सिमम आपको 22 वर्ष हुआ है तो आप भर पाएंगे। 22 वर्ष से ऊपर के लोग नहीं भरेंगे और 18 वर्ष से कम के उम्र के लोग इसको नहीं भरेंगे। और एज का जो है किसके किसके एज के बीच में आप भर सकते हैं, 1 अगस्त 2020 से लेकर के 31 जुलाई 2004 के बीच, ये दोनों डेट भी इंक्लूड है। ये जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2020 को है वो भी भर सकते हैं, जिसका डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 2004 को है वो भी भर सकते हैं। बोथ डेट यहाँ पर इंक्लूसिव लिखा हुआ है, कोई समस्या नहीं कि इन दोनों डेट में जो पैदा हुए हैं वो लोग भी भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। हाँ, इसके पहले और इसके बाद वाले लोग इसको नहीं फील करेंगे। ये हम डेट ऑफ बर्थ बात कर रहे थे जनरल डीवी की, सॉरी जीडी की बात कर रहे थे, यानी कि फर्स्ट वन जो फॉर्म है नाविक जीडी का, जीडी यानी यांत्रिक, दोनों लिखा हुआ जीडी यानी यांत्रिक, दोनों के लिए एज यही रहने वाला है, आपको इसके और इसके बीच में होना चाहिए। और जो सेकेंड वन आपका इसका एज है नाविक डीवी के लिए, बॉर्न 1 अक्टूबर 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2004 तक, दोनों डेट इसमें भी इंक्लूड है, यानी 1 अक्टूबर 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2004 के बीच में जो जन्म लिए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो और हम लोग बात करने वाली बात है कि एज की जो छूट की बात कर रहे हैं कि SC ST में तो 5 साल का छूट यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है, और OBC जो कैटेगरी के बंदे हैं उसके लिए 3 साल का छूट इसमें भी रखा गया है इन्होंने। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो छूट का प्लान है जो एज पे, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है 5 साल SC ST के लिए और 3 साल जो कि OBC कैटेगरी के लोग के लिए। ये जो आपको 18 से 22 थी ये जनरल के मेल के लिए, जनरल के लिए है, फीमेल का तो इसमें पोस्ट है ही नहीं, तो जनरल के मेल के लिए यह पद रखा गया है। और SC ST को 5 साल यानी कहने का मतलब 27 साल तक भरेंगे वो लोग, और OBC कैटेगरी 22 साल + 3 नहीं 25 साल के उम्र तक के लोग इसको भर पाएंगे। इसके अलावा आगे हम लोग बढ़ लेते हैं वैकेंसी के बारे में, इन्होंने क्या लिखा है कि इसमें कितना पद है, जो ये वैकेंसी हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ जो पोस्ट है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि जो जीडी है नाविक में जीडी है, जनरल में 112 पद है, EWS में 28 पद है, OBC में 72, ST में 11, SC में 37, कुल मिला करके 260 यानी कि 260 पद है। उसके यहाँ डोमेस्टिक जो ब्रांच है नाविक में जो DB आता है उस DB में 12 है, जनरल में 2 है, EWS में 9 है, OBC में 7 है, ST में SC में 5 है, कुल मिलाकर के 35-35 है, यानी कि पद इसमें थोड़ा कम है। यांत्रिक में भी हम लोग बात कर लेते हैं, यांत्रिक में जब हम लोग मैकेनिकल की बात कर लेते हैं तो 4 है जनरल में, 1 है EWS में, 2 है OBC में, 6 SC में ST में और 0 है SC में, 13 मात्र पद इसमें है। यांत्रिक यदि इलेक्ट्रिकल की बात कर ले, 6 पद है जनरल में, 0 पद EWS में, OBC में 2 और ST में 0 और 1 है SC में, कुल मिलाकर के 9 पद होने वाला इसमें है। यांत्रिक यदि इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले, 3 पद है जनरल में, 0 पद है EWS में, 1 पद है OBC के लिए, 0 पद ST में, 1 पद SC में, कुल मिलाकर के 5। तो ये कुल मिलाकर के पद इसमें होने वाला है। तो खास करके जो जो GD में पद है वो अच्छा खासा पद है। देखिए आपको दोस्तों ये नाविक GD में जो पद है वह 260 सभी मिला करके है। उसके अलावा नाविक DB में भी पद ठीक ठाक है, ये 10th लेवल का है फॉर्म। इसके अलावा यांत्रिक में थोड़ा सा कम रहने वाला, यांत्रिक में बहुत ही कम पद वगैरह है, तो इसको आप बाद में ट्राई करिए। सबसे पहले आप 12th लेवल के आप GD में ट्राई करिए, सेकेंड वन में आप जो 10th लेवल के जो DB है उसमें भी आप ट्राई अच्छा खासा कर सकते हैं, कोई समस्या। नोट भी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दिया हुआ, इसको भी आप समझ लीजिए तो बढ़िया रहेगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। वैसे कैफे वाले भैया को बिल्कुल पता है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यहाँ उन्होंने लिखा है कि सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है, तो इसको आप बारी बारी से पढ़ सकते हैं। फोटोग्राफ वगैरह, बायोमेट्रिक के अलावा आपका या साइन वगैरह किस तरह का होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वगैरह के बारे में उन्होंने लिखा है, तो इन चीज़ों को भी आप बारी बारी से पढ़ के समझ सकते हैं। वैसे हमारे बताने वाला ये चीज़ था नहीं, ये मेन चीज़ है नहीं। इसके अलावा और भी जो स्टेजेस वगैरह हैं, किस किस स्टेज से आपको गुजरना है इसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, ये भी मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट वन जो इसका स्टेज है वो स्टेज है आपका रिटेन जो एग्जामिनेशन का, लिखित एग्जामिनेशन जो है स्टेज वन है आपका। तो इसमें जो है जो मार्क्स वगैरह है जो रिटर्न टेस्ट होना है सेक्शन वाइज वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। फर्स्ट आपका रिटर्न टेस्ट होना है, रिटर्न टेस्ट के अलावा यदि आप रिटर्न टेस्ट क्लियर कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं तो इसमें फिर आपको जो है
स्टेज टू आता है। स्टेज टू में हम लोग क्या करते हैं, स्टेज टू में आपको फिजिकल वगैरह आता है। स्टेज टू में देखिए फिजिकल आपको टेस्ट है, यानी कि यहाँ पे PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपको दिया जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको रनिंग है, आप 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट में रनिंग करना है, या फिर उसके बाद उठक बैठक है 20, आपको 10 पुशअप है। वैसे इसके बारे में जो क्या क्या आपको चाहिए वगैरह, क्या आपको फिजिकल होना चाहिए, उसके नेक्स्ट वीडियो हमारा बना हुआ, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको शॉर्ट में बता दूँ, यहाँ रनिंग है, उठक बैठक और पुशअप्स वगैरह है जो कि आपको फिजिकल फिटनेस में लिया जाएगा। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो कि प्रोविजनली पास जो है उसके लिए है। शॉर्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको दो टाइम होना है इसमें, तो फर्स्ट वाला ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि आपका क्लियर कर लेते, डॉक्यूमेंट्स आपका सब चीज़ सही रहता है, तो आपको आगे प्रोसीड किया जाएगा। उसके अलावा जो मेडिकल वगैरह एग्जामिनेशन है, इसमें मेडिकल इनिशियल मेडिकल है, मेडिकल भी दो टाइम आपको करना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसमें आपको दो टाइम करना है। ये फर्स्ट वाला है, यदि यहाँ तक आप क्लियर कर लेते हैं तो सेकेंड स्टेज जो आपको यहाँ आता है, सॉरी थर्ड स्टेज, देखिए स्टेज थर्ड में आपको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा, और उसके अलावा फिर से आपको जो है फाइनल मेडिकल के लिए आपको कॉल किया जाएगा। फाइनल मेडिकल में आपका कंप्लीट चेकअप होगा फुल बॉडी का। उसके बाद जो सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जबकि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको जो भी सारा ओरिजिनल पेपर लेके आपको जाना है कि पेपर आपका नकली है कि क्या है, कैसा है, नहीं है, सारा चीज़ आपको कंप्लीट चेक होना है। उसके बाद लास्ट में जो आपका स्टेज फोर है, इसमें आपको जॉब मिलने वाला है, फाइनली आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके अलावा जो हाउ टू अप्लाई का सेक्शन आता है कि आपको अप्लाई करना कैसे है, तो हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में ये तो कंप्यूटर वाले का पार्ट है, आपको कंप्यूटर वाले से पूछिएगा तो उनको बिल्कुल पता है आपको कैसे कैसे करना है। यदि आपको खुद से भरना है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो से भी आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाने वाला है कि आपको कब से कब तक, आपको 4 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच में आपको फॉर्म भर लेना, शाम के 5 बजे तक के ऊपर। आपको वेबसाइट कौन सा रहने वाला है, ये वेबसाइट है, पहले भी हम दिखा चुके हैं, लेकिन आपको ये वेबसाइट यहाँ से जो दिख रहा है यहाँ ब्लू कलर में, ये वेबसाइट आपको नोट करना है, और इसी पे आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म आपको इसी के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलने वाला है। इसके अलावा और भी जो भी जानने के लिए मेन कंटेंट है कि आपको क्या सब इसमें अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म के ऊपर, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इन द एप्लीकेशन, आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या सब अपलोड करना है उसके बारे में इन्होंने भी बताया है। कंप्लीट डिटेल्स में इन्होंने जो है लिखा है कि कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो पासपोर्ट साइज का जो फोटोग्राफ है, उसके अलावा जो स्कैन सिग्नेचर वगैरह है, उसके बाद थंब इंप्रेशन है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, 10th का मार्कशीट है, EWS जो या कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी करना है आपको। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो भी हमारा कंप्लीट बताया गया है कि आपको फॉर्म भरने में क्या क्या पेपर आपको लगेगा, अपलोड करने के लिए क्या क्या पेपर आपको लेके कंप्यूटर वाले के पास जाना है, उसके बारे में खुद से हम फिर से बड़े हिसाब से वीडियो बनाए हैं, और वहाँ पर कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो को लंबा ना हो जाए इसके बचाने के लिए हम इसको फटाफट शॉर्ट में खींच रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप रुकिए। आगे हम आपको फिर से बताने वाले हैं कि और भी चीज़ें, एग्जामिनेशन फी वगैरह की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हो कि एग्जामिनेशन फीस का क्या होने वाला है। देखिए एफ नंबर में है, कैंडिडेट को यानी कि जो कि OBC और जनरल के लोग आते हैं उसको 250 का फी लगने वाला है, और लेकिन SC ST को फी जो है कि छूट मिलने वाली है। SC ST को यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट किया गया, कैंडिडेट से का एग्जामिनेशन फीस उसको फी लगने वाला नहीं है। जो SC और ST है उसको 0 होने वाला है फी, उसको पेमेंट लगना नहीं है, लेकिन जो जनरल और OBC का बच्चा है उसको 250 का पेमेंट लगने वाला है। कंप्यूटर वाले भैया 250 के बाद ही आपसे कुछ चार्ज करेंगे अपना जो 500 का होना है, लेकिन आपको बोर्ड के द्वारा 250 का फी लिया जाएगा। वह भी आप कैसे माध्यम से कर सकते हैं, वीज़ा, मास्टर रुपये कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI वगैरह से भी आप इसके पेमेंट को कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसके अलावा और भी चीज़ जो जानने वाली बात है, एग्जामिनेशन सिटी को लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन सिटी कहाँ कहाँ है। तो एग्जामिनेशन सिटी, इसमें आप जो है फॉर्म जब भरने लगेंगे तो आपको बिल्कुल खुद आपको दिखाने वाला है कि 30 किलोमीटर वगैरह के सर्किल के अंदर आपको जो है जो भी सेंटर आपको मिलने वाला है उस पर आप ले सकते हैं। तो इसके बारे में आपको फॉर्म भरने के समय में आपको मालूम हो जाएगा। तो ये मेन डिटेल्स आपको जो मिलने वाला है, यही कंप्लीट डिटेल्स था। इसके अलावा जो भी पेपर वगैरह लगना है स्टेज वन स्टेज टू वगैरह में, जब भी पेपर सब कब कब क्या काम आना है, ये सब कंप्लीट स्टेज वाइज आपको पेपर डिमांड करेंगे वो लोग, तो कब कब क्या लगने वाला है ये जानने वाला बड़ी बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आपको एक नई वीडियो बना के हम आपके सामने है, तो वो भी वीडियो हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी के जस्ट बाद आएगा, उस चीज़ों को आप देख लेंगे ताकि आपको मेन मालूम हो जाएगा कि इसमें कौन कौन सा पेपर किस किस स्टेज में आपको रेडी रखना है,
ताकि आपको जब बुलाए तो आपके लिए वो दिक्कत खड़ा ना हो जाए। उसके अलावा जो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड का है वो भी आप देख लेंगे यहाँ पे कि आपको मिनिमम हाइट आपका 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। इन सब के बारे में भी आप ध्यान देंगे, आपको कितना हाइट कितना होना चाहिए, आपका चेस्ट वगैरह कितना, इट शुड बी वेल, यानी कि आपको चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए कम से कम। तो ये सब चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, कि उन्होंने टैटू के बारे में स्पेशली लिख दिया है, बहुत सारे लोग टैटू वगैरह हाथ पे या कहीं और बनवाते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए, वो सब अच्छी बात नहीं है इस टाइप के फॉर्म के लिए। उसके अलावा और भी चीज़ें शायद इसमें है जो कि आपको जानने वाली बात है, हम आगे बढ़ के एक बार देख लेते हैं, यदि ऐसा कुछ है तो फिर से आपको हम बता देते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ पर है कि पे वगैरह की बात करते तो कि आपको सैलरी वगैरह क्या मिलने वाला, तो सैलरी के बारे में यहाँ देखिए लिखा है इन्होंने, पे वगैरह के बारे में, बेनिफिट वगैरह के बारे में, जो नाविक जनरल ड्यूटी है जो सबसे टॉप उसमें ज़्यादा वैकेंसी है, 12th लेवल की वैकेंसी है, वहाँ 21,700 का पे लेवल 3 का स्किल होने वाला है, लेवल 3 का यहाँ पे पेमेंट आपको 21,700 का मिलने वाला है। सेकंड वन आपको जो है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच 10th लेवल का जो वैकेंसी है 21,700 का, इसमें लेवल 3 का, इसमें भी आपका पेमेंट मिलने वाला है। और आपको जो यांत्रिक है इसमें 29,200 का आपको पे स्किल्स का पे लेवल 5 मिलने वाला, अच्छा खासा पे है, 6200 का इसमें ग्रेड पे आपको मिलने वाला है, ढंग का इसमें आपको सैलरी मिलने वाला। हाँ तो इसमें सीट भी तो बहुत कम है, चांसेस भी तो बहुत कम ज़्यादा इसमें रहता रहता है। इसके अलावा और जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में आप पढ़ लीजिए बारी बारी से, यही मेन कंटेंट था जो कि आपको बहुत जाना जरूरी था। और आपको डेट फिर से बताए, लास्ट जो डेट है आपको 14 जनवरी 2022 17 यानी कि 5 बजे शाम तक इसके फॉर्म को आप भर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी और समस्या आती है, आपका पेज नहीं, आपको बस ये QR से भी आप इसके नोटिफिकेशन को आप चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं। यदि आपको कुछ और भी दिक्कत रहा है तो मुझे कमेंट करिए ना, आपको मैं फिर से इस पे कमेंट में कॉल बैक या कमेंट में आपको कमेंट बैक करके जवाब दे देंगे। और जो भी मेन चीज़ें था आपको फॉर्म भरने से पहले जानना बहुत ज़रूरी, शायद भी पूरा का पूरा मैंने कवर किया है, स्पेशली डॉक्यूमेंट जो अपलोडेशन ये करके के बाद के बारे में हम लोग कर रहे, हर एक स्टेज पर जो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सब लगना है, क्या क्या सब आपको तैयार रखना है, क्या सब आपको लेके जाना है, क्या सब बोर्ड मांगेगी, उसके लिए हमारा एक वीडियो बना हुआ, उस वीडियो को भी आप देख लें, ताकि कभी किसी भी स्टेज पर आपको वो डॉक्यूमेंट्स से आप छूटे नहीं, डॉक्यूमेंट्स के कारण से आप नहीं छट पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स के कारण से छट जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, करेक्टर नहीं है, कास्ट नहीं है, रेसिडेंशियल नहीं है, तो उससे भी वो लोग बच जाते हैं। तो इन चीज़ों पर भी आप बिल्कुल ध्यान दे देंगे तो अच्छा रहेगा। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल लाभदायक हुआ, यदि हुआ तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, लाइक को दबा ले और दोस्तों के साथ भी ग्रुप में शेयर करें ताकि उनको भी यह इससे लाभ मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।